ब्यूटीफुल ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर रचा, ये तुम्हारे को डेडिकेटेड है वीडियो, और प्लीज़ जल्दी से अपना प्लान बनाओ और आ जाओ मेरे साथ में घूमने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया मेरी ट्रैवल पार्टनर तुम्हारे बिना घूमे हुए। तो जितनी भी मेरी साइट विजिट्स है वो सब अधूरी है तुम्हारे बिना। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जोधपुर ट्रैवल डायरीज के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि हमारी डायरी का पहला पन्ना आज ओपन होने वाला है, जिसमें मैं जोधपुर का क्लॉक टायर और सदार मार्केट को कवर करने वाली हूँ। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो वहीं चल के हमें पता चलेंगी, स्टे ट्यून्ड। क्लॉक टावर यानी कि घंटाघर जो है वो सिचुएटेड है गिरदी कोट सरदार मार्केट के बीच में, और हमें क्लॉक टावर पहुंचने के लिए सरदार मार्केट क्रॉस करना होगा। तो ये मार्केट जो है इसमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले चलते हैं इसके अंदर और गाड़ी पार्क करते हैं ताकि हम लोग घंटाघर के अंदर जाकर देख सकें कि वहाँ किस तरह की घड़ी है, वहाँ का मैकेनिज्म क्या है और कितने सुंदर और कैसे ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ये खूबसूरत सी इमारत मॉन्यूमेंट जो है वो हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने है, और ये महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था 1910 में। और जो इसका शेप अगर हम एरियल व्यू देखें तो ये बिल्कुल लूडो के शेप में, या जिसे हम कहते हैं चौपड़ गेम के शेप में ये बना हुआ है। चारों तरफ से इसके अंदर मार्केट बना हुआ है। क्लॉक टावर के बैकग्राउंड में जो इतना बड़ा सा ये किला दिख रहा है ना, ये है मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का, और कभी फ्यूचर में इसे भी हम विज़िट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं घंटाघर के अंदर। यहाँ जाने के लिए 25 रुपीज़ सिर्फ एक एंट्री फीस लगती है, और ये जो क्लॉक टावर है ये मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 5 o'clock तक खुला रहता है। तो मैंने मेरी रिसीट जो है वो ले ली है एंट्री फीस की, और अब मैं चढ़ रही हूँ इसकी सीढ़ियाँ, क्योंकि ये क्लॉक टावर जो है ये करीब 3 मंजिला है और 100 फीट्स जो है वो इसकी टोटल हाइट है। अंदर जाने से पहले इसके आसपास का नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये यहाँ का इतिहास जो है उसके बारे में इसमें वर्णित है, और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ ऊपर। तो इन संकड़ी सी सीढ़ियों के सहारे मैं चढ़ रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे फ़िलहाल, जहाँ पे मोटे मोटे तार पे यानी बड़े बड़े तार के अंदर काफ़ी भारी से लोहे के वेट्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से घड़ी चलती है। अरे वाह, आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आधा घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट के हिसाब से ये वेट्स हैं जो कि हार्ड आयरन से लगे बने हुए हैं, तो इनके सहारे ये घड़ी चलती है। किसी भी नॉर्मल घड़ी की तरह फर्नर से ये नहीं चलती है। और ये देखिए ये मोटे तार जो हैं इस पे हैंग हुए हुए हैं, वो आयरन के भार वेट जो हैं वो इसके ऊपर हैंग हो रखे हैं। दो बड़े लोहे के गर्डर्स के बीच में ये पेंडुलम और ये घड़ी को फिक्स कर रखा है, और इसके पेंडुलम का जो वेट है वो करीब 50 kgs है। ये घड़ी उस ज़माने में मतलब 1910 में 3 lakh rupees के अंदर यहाँ पे बनी थी, जिसमें इस मीनार को बनाने की कॉस्ट शामिल नहीं है। ये घड़ी लंदन की एक कंपनी ल्यूड और ब्लॉकली द्वारा निर्मित है, और इसके अंदर चाबी भरी जाती है एवरी फ्राइडे को, मतलब वीकली इसमें चाबी भरी जाती है। और जो 3 वेट मैंने दिखाए थे उन वेट का जैसे जैसे समय निकलता है ना वो वेट नीचे आता चला जाता है, और चाबी के साथ वो वापस ऊपर खींच लिया जाता है। इसकी जो चाबी है वो भी 10 किलो की है। कितने सालों से हो आप यहाँ पे? जवानी से बूढ़े हो गए यहाँ पे। जवानी से बूढ़े हो गए। तो आप क्या करते हो, कितनी बजे से आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है? सुबह 10 से लेके 5 बजे तक। अच्छा, तो आप घड़ी का रखरखाव वगैरह सारा काम आप करते हो? कभी ऐसा हुआ कि घड़ी जो है वो चलना बंद हो गई या ऐसा कुछ? वो मेरा बच्चा है ना, नाम लिखा सिक्र को संभालता है। अच्छा अच्छा, पिताजी थे, तीसरी पीढ़ी चली मेरी, देखा ना आपने? तीसरी पीढ़ी। तो आपको नगर निगम में अपॉइंट कर रखा है या फिर महाराजा ने? नहीं, नगर निगम से। नगर निगम से है, चलिए अच्छा है। तो ये फाइबर शीट का जो सेक्शन बना रखा है इसके अंदर पेंडुलम बहुत अच्छे से दिख रहा है,
और ये जो घड़ी है इसका डायल का डायमीटर है 6 फीट और इसकी बड़ी वाली सुई है 3 फीट की और छोटी वाली सुई है 2 फीट की। चलिए जी, तो अब उतरते हैं नीचे, लेकिन बिल्कुल सावधानी से क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप है। इकबाल जी ने जैसा कि मुझे बताया कि जो ये 3 वेट लगे हुए हैं ना, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा का, उसका इतना ज़्यादा भार है कि 15 मिनट्स का जो वेट है वो है 2 क्विंटल का, जो हाफ एन आवर का वेट है उसका वज़न है करीब 1 क्विंटल, और जो 1 घंटे का वेट है उसका वज़न है 1.25 क्विंटल। तो अभी बजने वाली है घड़ी में 5। तो टोटल 5 बार इस घड़ी ने बेल किया है अभी, और ये जो इसका मैकेनिज्म है इसको देख के मैं खुद बहुत आश्चर्यचकित हो चुकी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा था आज का ये। सो गाइस, ये था हमारा क्लॉक टावर जिसे घंटाघर भी कहा जाता है, और हम मिले थे मोहम्मद इकबाल साहब से, जिनका कार्यभार जो है वो कुछ इस तरह का है कि वो इस घड़ी की हर एक टिक टिक को मेंटेन करते हैं और उसकी पूरी देखरेख करते हैं। आगे चलते हैं हम सरदार मार्केट की तरफ कि इस मार्केट में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। स्टे ट्यून्ड। ये है मार्केट का एक एरियल व्यू, और इस मार्केट के अंदर हैंडीक्राफ्ट आइटम से लेकर जोधपुर की फेमस लेदर की जूतियाँ, और उसके अलावा बैंगल्स, उसके अलावा काफ़ी सारे स्पाइसेस और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शॉप्स तो यहाँ पे है ही, साथ के अंदर यहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स भी बैठते हैं। इमिटेशन ज्वेलरीज, बांधनी का काम, बंधेज का काम, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, और काफ़ी मतलब नेगोशिएबल रेट्स के अंदर। तो लेजर टाइम के अंदर अगर जोधपुर आए हैं और अगर चलने फिरने का मन हो तो वॉक थ्रू के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है ये, और काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ गुजर जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही आपको आज दिखा पाऊँगी, इजाज़त लेती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मे बी बहरानगढ़ फोर्ट भी चलेंगे यहीं से। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ फिर से आपके साथ एक नए व्लॉग को लेके। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।